छात्रों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है कवक के संबंध में चर्चा किया था, आज हम चल रहे हैं लाइटिंग या शैवाल के बारे में जो है चर्चा करने। तो ध्यान दीजिए, ये लाइटिंग जो है ये शैवाल लाइटिन जो होता है शैवाल एल्गी यूम जो है कवक फंजाई से मिलकर जो होता बना होता है। क्या होता है लाइटिन जो होता है शैवाल यूम कवक से जो होता है मिलकर बना होता है। इस प्रकार जो है लाइटिन जो होता है लाइटिन एक जटिल लाइटिन एक जटिल यौन द्वि प्रकृति शैवाल और कवक यौन द्वि प्रकृति वाला पौधा होता है। प्रकृति वाला पौधा होता है जो दो विभिन्न दो विभिन्न प्रकार के पौधे यानी शैवाल दो विभिन्न प्रकार के पौधे शैवाल यौन कवक से मिलकर बना होता है। कवक से मिलकर बना होता है। हमने क्या बताया कि लाइगेंड जो होता है ये एल्गी एंड फंजाई शैवाल और कवक से जो होता है मिलकर बना होता है। इस प्रकार लाइगेंड एक जटिल और द्विप्रकृति वाला पौधा होता है जो दो विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे शैवाल यौन कवक यहां भी लिखा है शैवाल यौन कवक से जो होता मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें शैवाल वाले भाग को शैवाल वाले भाग को शैवालांश कहते हैं वाले भाग को शैवालांश हाइपोबियंट कहते हैं। तथा जो है कवक वाले भाग को अंगल पार्ट को कवक वाले भाग को इसमें कवकांश कवकांश माइक्रोबियंट कहते हैं। क्या कहते हैं माइको बियांट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है इसमें पोषण पोषण न्यूट्रिशन लाइगेंड में पोषण न्यूट्रिशन शैवाल की भांति इसकी बात है शैवाल की भांति यौन जनन यौन जनन जो है कवक की भांति होता है। इसकी भांति होता है कवक की भांति होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है शैवाल शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है तथा कवक जो होता है, कवक भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करता है, साथ ही कवक नाइट्रोजन अवशेष एवं CO2 भी प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रदान करता है, इस प्रकार जो है, इस प्रकार लाइकेन जो होता है, लाइकेन शैवाल यौन कवक का सहजीवन है, हमने क्या बताया छात्रों कि लाइकेन जो होता है ये शैवाल यकीन फंजाई कवक से शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। इस प्रकार लाइकेन एक जटिल एवं द्विपक्षीय वाला पौधा होता है जो दो विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे शैवाल एवं कवक से मिलकर बना होता है। इसमें शैवाल वाले पार्ट को एल्गल पार्ट को शैवांश यानी फाइकोबियन तथा जो है कवक वाले भाग को कवकांश माइक्रोबियन होते कहते हैं। इसमें पोषण जो होता है शैवाल की भांत एवं जन्म जो होता है कवक की भांत होता है। इसमें शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण अपने अपने लिए तथा कवक के लिए करता है तथा कवक जो होता है भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करता है। साथ ही कवक जो होता है साथ ही कवक नाइट्रोजन अवशेष एवं CO2 भी जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए शैवाल को प्रदान करता है। इस प्रकार लाइकेन जो होता है शैवाल एवं कवक का एक सहजीवन होता है। क्या होता है? शैवाल एवं कवक का एक सहजीवन। अब आइए लाइकेन के सामान्य लक्षण। लाइकेन के सामान्य लक्षण जनरल कैरेक्टर्स आप लाइकेन जान लीजिएगा। अभी हम परिभाषा में ही कई लक्षण स्थित रहे हैं। क्या कैसे लक्षण है? नंबर वन जो है लाइकेन जो होता है ये शैवाल यानी एल्गी यौन जो है कवक फंजाई का सहजीवन होता है, जीवन होता है। दूसरा जो है इसमें जो है जड़
तना यौन पत्ती का अभाव होता है, पत्ती का अभाव होता है। नेक्स्ट लाइन, इसमें जो है सवाल प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है तथा कवक भूम से, तथा कवक भूम से जल यौन खनिज लवण, जल यौन खनिज लवण अवशोषित करता है, जल यौन खनिज लवण अवशोषित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पादप शारीरिक संरचना, पादप शारीरिक संरचना के आधार पर, के आधार पर लाइटिंग, लाइटिंग तीन प्रकार के, तीन प्रकार के, प्रथम को कहते हैं परपटी, परपटी मय या क्रस्टोस, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रस्टोस या क्रस्टेशियस, क्रस्टेशियस। दूसरा जो है पानी, पानी फोलियोज, फोलियोज या फोलिशियस। यौन जो है फोलियस, यौन। दूसरा जो है दूसरे को यौन तंतुमय, यौन तंतुमय या इसी को कहा जाता है प्रोटीफोज, तंतुमय फिलामेंटस, फिलामेंटस या जो है प्रोटीफोज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है लाइकेन में जो है, इसमें अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन आईसीडियम, आईसीडियम यौन पिकनिक डियो, पिकनिक डियो स्पोर्स द्वारा होता है। नेक्स्ट, इसमें जो है, इसमें लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में कवक भाग लेता है, जिसमें
स्पर्माइटो गोनियम एवं मादा जननांग, मादा जननांग कार्पोगोनियम, नर जननांग कार्पोगोनियम होता है। नेक्स्ट, इसमें लैंगिक जनन के बाद जो होता है कलंकाय, कलंकाय फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। नेक्स्ट, इसमें जो है कलंकाय में, कलंकाय में अनेक यस्कस या एसआई होते हैं, होते हैं जिनमें प्रत्येक प्रत्येक यस्कस में आठ एस्कोबीजान, आठ एस्कोबीजान एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एस्कोबीजान जो है, एस्कोबीजान अंकुरण के द्वारा नए कवक तंत्र का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। जो शैवाल से संपर्क करके लाइकेन का निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। लास्ट पॉइंट, लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन प्रदूषण के प्रति संवेदनशील, संवेदनशील होते हैं, अर्थात लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन प्रदूषण सूचक के रूप में काम करते हैं, सूचक के रूप में कार्य करते हैं, सूचक के रूप में कार्य करते हैं। तो हमने ये बताया कि लाइकेन के क्या क्या लक्षण है। नंबर वन, लाइकेन जो होता है शैवाल एवं कवक का जो होता है सहजीवन होता है। दूसरा, इसमें जड़ तना एवं पत्ती का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है तथा कवक जो होता है भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करता है। नेक्स्ट, इसमें पादप पादप शारीरिक संरचना के आधार पर लाइकेन जो है
लाइगेंड तीन प्रकार के परपटीमय क्रस्टोस या क्रस्टेशियस, पाणी फोलिए या फोलिएशियस एवं तंत्रमय छोटी फिलामेंटस प्रोटीन को जो होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लाइगेंड में इसमें आयनिक जनन जो होता है आईसीडियो में पिकनीडियो स्पोर्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट इसमें लैंगिक जनन के कवक भाग लेता है जिसमें नर जनन जो है स्पर्माटोगोनिया एवं मादा जनन जो होता है कार्पोगोनिया होता है। इसमें लैंगिकरण के फलस्वरूप फलंकाय प्रोटीन बॉडी का निर्माण होता है। फलंकाय में अनेक एस्कस या एसआई होते हैं जिनमें प्रत्येक एस्कस में 8 एस्कोबीजाण या एस्कोस्पोर्स जो होते हैं बनते हैं। नेक्स्ट एस्कोबीजाण जो होता है अंतरण के द्वारा नया कवक तंत्र या कवक सूत्र का निर्माण करते हैं जो शैवाल से संपर्क करके जो है लाइगेंड का निर्माण करते हैं। और लाइगेंड जो होते हैं ये प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं अर्थात लाइगेंड जो होते हैं प्रदूषण सूचक के रूप में भी जो होते कार्य करते हैं। प्रकृति एवं वास स्थान लाइगेंड क्या प्रकृति होती है प्रकृति एवं वास स्थान हैबिट एंड हैबिटेट हाँ ध्यान दीजिएगा लाइकेन जो होते हैं लाइकेन प्रायः जो है आर्द्र वातावरण में आद्र वातावरण में उगते हैं। नेक्स्ट लाइकेन जो होते हैं लाइकेन विभिन्न प्रकार के आवासों जैसे वृक्षों की छाल पत्तियों घरों की दीवार खाली भूमि यौन चट्टानों पर जो होते हैं यौन चट्टानों पर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट ये उन स्थानों पर भी जीवित रहते हैं उन स्थानों पर भी उगते हैं जो अन्य पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होता है अन्य पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होता है जैसे
नग्न चट्टान, नग्न चट्टानों नग्न चट्टानों यौन जो है ध्रुवीय खंडे भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है लाइकेन बहुवर्षीय, लाइकेन बहुवर्षीय बहुवर्षीय पेरेनियल, ऐसे इसी को लिखते हैं, छोड़ देते हैं बहुवर्षीय वायवीय वायवीय धीमी गति से वृद्धि करने वाले, धीमी गति से वृद्धि करने वाले यौन दीर्घ जीवी होते हैं। ध्यान दीजिएगा वास स्थान के आधार पर इन लोगों का इन्हें विभक्त किया गया है। आवास या लिख सकते हैं वास स्थान के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में विभक्त किया गया है, निम्न वर्गों में विभक्त किया गया है। अब वास स्थान के आधार पर ये कौन कौन से, प्रथम है सैक्सिपोलस, सैक्सिपोलस ये लाइकेन जो होते हैं, ये लाइकेन सामान्य यौन ठंडे भागों में चट्टानों पर होते हैं, चट्टानों पर उगते हैं। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल डरमाइको कार्पन। नेक्स्ट जो है कार्टिकोलस, पार्टिकुलस। तो ध्यान दीजिएगा ये लाइकेन जो होते हैं, ये लाइकेन वृक्षों की छाल पर होते हैं, इस पर वृक्षों की छाल पर उगते हैं, वृक्षों की छाल पर उगते हैं। एग्जाम्पल में असनिया, तीसरा जो है टेरिकोलस, तीसरे कहते हैं टेरिकोलस। ध्यान देंगे ये लाइकेन कम वर्षा वाले स्थानों में, कम वर्षा वाले स्थानों पर भूमि में उगते हैं। कहां पर उगते हैं, भूमि में उगते हैं।
एग्जांपल में, एग्जांपल में रेसी दिया, रेसी दिया और जो है क्लाइगोनिया, रेसी दिया, रेसी दिया यों क्लाइगोनिया। चौथा जो है लिग्नोबुलस, लिग्नोबुलस। तो ये लाइकेन जो होते हैं, ये लाइकेन कास्ट है या लकड़ी पर होते हैं, कास्ट या लकड़ी पर होते हैं। एग्जांपल में जो है सिफेलियम। तो इस प्रकार से वास स्थान के आधार पर जो है ये लाइकेन जो होते हैं चार प्रकार होते हैं। ये प्रकृति में ध्यान देगा, ये लाइकेन प्रायः आर्द्र वातावरण में होते हैं जहाँ पर नमी ज्यादा होती है। नेट से विभिन्न प्रकार के आवासों जैसे वृक्षों की छाल, पत्तियों, घरों की दीवारों, खाली भूमि और चट्टानों पर पाए जाते हैं। नेट से ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो अन्य पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जैसे नग्न कठोर चट्टान ले सकते हैं, नग्न कठोर चट्टानों जो ध्रुवीय ठंडे भागों में उगते हैं या पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लाइकेन बहुवर्षीय प्रकृति में वायवीय धीमी गति से वृद्धि करने वाले यूं दीर्घजीवी होते हैं। नेक्स्ट, वास स्थान के आधार पर इन्हें जो है चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं सेक्सिपोलस, दूसरे को पार्टिकोलस, तीसरे को टेरिकोलस और चौथे को लैग्नोकोलस। तो सेक्सिपोलस जो लाइकेन होते हैं ये सामान्य और ठंडे भागों में चट्टानों पर उगता है, एग्जांपल में डरना चौका। नेक्स्ट, पार्टिकोलस, ये लाइकेन वृक्षों की छाल पर उगते हैं, एग्जांपल में असनिया। नेक्स्ट, टेरिकोलस, ये लाइकेन कम वर्षा वाले स्थान पर भूमि में उगते हैं, एग्जांपल में लेसीडिया और क्लाइगोनिया। नेक्स्ट, लिग्नोकोलस, ये लाइकेन जो होते हैं कास्ट या लकड़ी पर उगते हैं, एग्जाम्पल में सिफेलियम। आइए सवाल का वर्गीकरण, सॉरी कवक लाइकेन का वर्गीकरण यानी वर्गीकरण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। ध्यान दीजिएगा, लाइकेन का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया गया है। इसका वर्गीकरण जो है तीन आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर? तीन आधारों पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसमें प्रथम आधार क्या है? कवक, कवक वाले भाग या कवकांश के आधार पर आंधी बेसिस ऑफ, आंधी बेसिस ऑफ डियर फंगल पार्ट आर माइक्रोबियल, माइक्रोबियन। दूसरा जो है
शैवाल वाले भाग या शैवालांश के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ और दूसरा जो है
दूसरा है पायरेनो कार्बिन, पायरेनो कार्बिन इसमें प्लंकायक जो है इसमें प्लंकायक जो है टेरिथेसियम कहते हैं, क्या कहते हैं टेरिथेसियम कहते हैं। साथ ही ध्यान दीजिएगा एस्कोलाइटेन में जो है शैवाल जो होते हैं, शैवाल सहभागी जो होते हैं, शैवाल सहभागी नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल जैसे जैसे स्काइटोनीमा नास्टाग रिगुलेरिया और गिलियोकैप्सा इत्यादि जो होते हैं ये शैवाल से प्रभावित होते हैं। दूसरा ये दूसरे कहते हैं बेसिडियोलाइकम, बेसिडियोलाइकम आप ध्यान दें बेसिडियोलाइकम में जो है इसमें संपूर्ण इसमें संपूर्ण कवक है, कवक सहभागी बेसिडियोमाइसिटिस के होते हैं, बेसिडियोमाइसिटिस वर्ग के होते हैं तथा शैवाल सहभागी शैवाल सहभागी मिक्सोफाइसी मिक्सोफाइसी वर्ग के होते हैं। इस प्रकार जो है कवक वाले भाग या कवकांश के आधार पर जो है लाइकेन को दो भागों में विभक्त किया गया है, प्रथम को कहते हैं एस्कोलाइकेन्स, दूसरे को कहते हैं जो है बेसिडियोलाइकेन्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा एस्कोलाइकेन इसमें संपूर्ण कवक सहभागी जो होते हैं कवक के एस्कोमाइसिन वर्ग के होते हैं, इसे भी दो भागों में विभक्त किया गया है जिम्नोकार्पी, जिम्नोकार्पी में प्लंकायक को थीसियम कहते हैं, दूसरा है पायरेनोकार्पी इसमें प्लंकायक को जो होता है पेरिथीसियम कहा जाता है, और इसमें शैवाल सहभागी नीले हरे शैवाल जैसे स्काइटोनिमा नास्टा रिगुलेरिया और क्रियोकैप्सा होते हैं। नेक्स्ट जो है बेसिडियोलाइकेन इसमें संपूर्ण कवक सहभागी जो होते हैं ये बेसिडियोमाइसिटी वर्ग के होते हैं तथा शैवाल सहभागी जो होते हैं शैवाल के वर्ग जो है मिक्सोफाइसी वर्ग के होते हैं। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट शैवाल, शैवाल वाले भाग या शैवालांश के आधार पर आंधी बेसिस ऑफ डियर एल्गर पार्ट डियर एल्गर पार्ट आर
आय को बयान होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पर ही लाइगेन को दो श्रेणी में किया गया है। कितनी श्रेणी में? दो श्रेणी में। प्रथम को कहा जाता है समावयवी, समावयवी या होमो, या होमो आइसो, होमो आइसोमेरस। या आइसोमेरस फैलाई कहते हैं। इसमें जो है
लाइकेन के थायरस के अंदर जो है सर्वायु कोष का समान मात्रा में या समान वितरित होते हैं एग्जांपल में पॉलीमर। दूसरा विषमावयवी या हेटरो आइसोमेरस थैलाई, इसमें जो है थैलस के में जो है सर्वायु कोष के एक निश्चित एवं स्पष्ट परतों के रूप में होते हैं अर्थात सर्वायु कोष के बराबर मात्रा में नहीं होती हैं और ये परत जो होती है सर्वायु की थैलस की एक ऊपरी सतह पर होती है जिसे गोनिडियल परत या गोनिडियल लेयर जो होते हैं वो कहते हैं एग्जांपल में पाली। तीसरा ये तीसरा थायरस के स्वभाव के आधार पर तीसरा एक खत्म हो गया बेटा थोड़ा मिलकर डाल लें। थायरस के निचली
सतह से मूलाभास राइगाइड के समान अनेक जो है अनेक रचनाएं निकली होती हैं जिन्हें रागिनी कहते हैं जिन्हें रागिनी कहते हैं। एग्जाम्पल में जो है एग्जाम्पल में पार्वती है नेक्स्ट जो है तीसरा थैलस के आधार तीसरा जो है तंतुमय या फ्रूटी कोर फिलामेंटस ध्यान दीजिएगा इसमें थायरस बेलना का चपटे या पीते नुमा सीधी साकित रचनाओं के रूप में होता है। एग्जाम्पल में जो है असनीय और जो है लाइबोनी। तो इस प्रकार सातों स्वभाव के आधार पर जो है लाकिन थैलस के स्वभाव के आधार पर लाकिन तीन प्रकार का होता है। प्रथम को कहते हैं प्रकृति माया प्रस्तुत। इसमें जो है जिस प्रकार के जो लाकिन होते हैं ये चट्टानों मृदा या जो है यूं वृक्षों की छाल होते हैं या ग्रेफिस फाइसिया और एलुपेलिया। दूसरा जो है पर्णिड या फोलिएसियस। इसमें थैलस जो होता है पत्ती के समान पालित यौन होता फैला होता है तथा थैलस की निचली सतह पर अनेक मूलाभास के समान निकली होती है जिन्हें रागिनी कहते हैं जो आधार पर से चिपकाने का कार्य करने का करती हैं। एग्जाम्पल पार्मीडिया। दूसरा है तंत्री सा तंतुमय फ्रूटिकोर। इसमें जो है थैलस जो होता है बेलनाकार चपटे या जो है सीधी साकित रचनाओं के रूप में होता है और नीचे आधार पर से जो होता है चिपका होता है। एग्जाम्पल में असनीय कलाई होनी है। छात्रों हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे कल चर्चा करेंगे।